हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय जावा फॉर बिगनर ट्यूटोरियल गाइस इस वीडियो में मैं आपको कमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं कमेंट्स आर अनरीडेबल डॉक्यूमेंटेशन अनरीडेबल बाय जे मींस एम जो है कमेंट्स को रीड नहीं कर सकता है तो क्यों हम कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में लिखते हैं क्योंकि हम अपने मेथड्स के बारे में हम अपनी क्लासेस के बारे में बेसिकली हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है इस बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकें जिसे जे वी एम कंपाइल ना करे इससे क्या होता है कि आपका कोड दूसरे प्रोग्रामर के थ्रू भी रीडेबल होता है दूसरे प्रोग्रामर या आपके टीम मेट्स जो होते हैं वो भी आपके कोड को समझ सकते हैं उस कमेंट को उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के सो बेसिकली कमेंट्स आर डिस्क्रिप्शन अबाउट द फीचर ऑफ अ प्रोग्राम यानी आपका प्रोग्राम या आपका स्पेसिफिक मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम क्या कर रहा है ये कमेंट्स के थ्रू आप अगर लिखते हैं सो इट विल भी हेल्पफुल फॉर योर टीम मेट्स एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो अगर आप कभी इन फ्यूचर अपने प्रोग्राम को देखते हैं तो वो कमेंट जो है हमें हेल्प करते हैं हमारे ही कोड को समझने के लिए सो इट हेल्प्स अदर टू इजिली फॉलो द कोट प्रोग्राम इज रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय अदर्स जैसा कि मैंने कहा कोई भी प्रोग्राम किसी सॉफ्टवेयर का जो पार्ट होता है वो बेसिकली एक टीम के थ्रू क्रिएट किया जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो आप जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर आप उसमें कमेंट करते हैं तो आपके टीम को हेल्प होती है उस प्रोग्राम का लॉजिक समझने में सो ऑल्सो हेल्प टू डिसेबल सम कोड लाइन इट हैपन्स टाइम कि हम किसी कोड मॉड्यूल को के स्पेसिफिक लाइन को या स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन्स को कंपाइल नहीं करना चाहते हैं इट हैपन्स कि हम चाहते हैं वो कोड में रहे बट हम उसे कंपाइल नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट ऑल्सो हेल्प इन दिस Scenario. तीन तरह के कमेंट्स होते हैं हमारे पास जावा में तो सिंगल लाइन कमेंट जब आपको किसी एक लाइन को डिसेबल करना हो या किसी एक लाइन में डिस्क्रिप्शन देना हो तो सिंगल लाइन कमेंट या डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज किए जाते हैं मल्टी लाइन कमेंट अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पैराग्राफ या मोर देन वन लाइन अगर आपको कमेंट करनी हो सो देयर इज अ सिंबल फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक टू बिगिन अ कमेंट एंड एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश टू एंड द कमेंट जावा में एक और कमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम का एक एच डी एम एल ए पी आई बनाए तो उसके लिए आपका जो कमेंट होता है दैट इज फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक टू स्टार्ट द कमेंट एंड टू एंड द कमेंट वी यूज ए फॉरवर्ड स्लैश तो जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट अगर आपको देखना है या जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का जो आउटपुट है उसको समझने के लिए आपको कंपाइल करने के लिए जावा सी नहीं जावा डॉक सी या जावा डॉक्यूमेंट सी कंपाइलर के थ्रू आपका प्रोग्राम आपको कंपाइल करना पड़ेगा सो लेट्स प्रैक्टिस दिस कमेंट सेगमेंट सो लेट्स सी सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लोग पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं अगर हमारा कोई पैकेज रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में तो जस्ट फॉर सैम्पल मैंने एक इनपुट आउटपुट पैकेज इम्पोर्ट कर लिया विच इज नॉट नेसेसरी यहाँ पे सेकेंड मैंने आपको बताया था कि आप क्लास और क्लास का नाम देते हैं क्लास नेम इज यूजर डिफाइंड तो यहाँ पे आप क्लास uh, का नाम कुछ भी दे सकते हैं ओके okay, तो क्लास का जो एंट्री पॉइंट होता है दैट इज मेन मेथड तो यहाँ पे हमने मेन मेथड दे दिया और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि आप प्रिंट एलन मैथड के थ्रू कोई भी लाइन प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम आउटपुट में तो यहाँ पे कमेंट का क्या यूज है सपोज आपको यहाँ पे कमेंट देना है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है प्रिंट एलन इज यूज टू प्रिंट दिस लाइन राइट अब ये कोई सिंटेक्स का हिस्सा नहीं है जावा में ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं सीधे ही आप ऐसे कुछ लिख नहीं सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको यहाँ क्या करना होगा सिंगल लाइन कमेंट या ये जो कोड है मल्टीपल लाइन में चला गया है तो आप यहाँ मल्टी लाइन कमेंट लगा सकते हैं या आप इसको दो सिंगल लाइन कमेंट में दे सकते हैं दैट मीन्स हमारा जे जो है इस लाइन को और इस लाइन को कंपाइल नहीं करेगा दैट इज अन रिडेबल बाई जावा कंपाइलर जावा सी और यू कैन से तो अगर हम इसे कंपाइल सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को तो मैंने इसको किस नाम से सेव किया है स्टूडेंट डॉट जावा क्योंकि हमारा जो मेन मेथड है वो स्टूडेंट क्लास में है विच इज़ नॉट नेसेसरी बट आपको आसानी होगी अपना काम करने में तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एम ड्राइव के जावा पी आर जी फोल्डर में है और हमारी फाइल का नाम जो है वो है स्टूडेंट डॉट जावा जैसे हमने डी आई आर कमांड के थ्रू देख लिया दैट फाइल इज़ अवेलेबल इन दिस फोल्डर तो जैसे ही आप इस फाइल को कंपाइल करेंगे जावा स्टूडेंट डॉट जावा आप देखेंगे ये फाइल यहाँ पे है तो हम जैसे ही कंपाइल करेंगे कंपाइल करते ही हमारा जो है प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और यहाँ पे हमने इस फाइल को रन कर दिया इज माइट भी पॉसिबल ये चीज़ आपको अभी इतनी बेनिफिशियल न लगे लेकिन जब आप किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर काम करते हो सो दैट प्रोग्राम बिकम वेरी ह्यूज और दैट मॉड्यूल बिकम वेरी ह्यूज और उस कोड के करते वक्त अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे इट माइट भी पॉसिबल जब वापस आप कोड को कभी रीड करोगे तो आपको वो समझ में ना आए लेकिन अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो कोड आप समझ भी पाएंगे और आपके बाकी टीम मेंबर्स भी उसको समझ पाएंगे राइट right? तो यहाँ पे मैंने दो सिंगल लाइन कमेंट दिए हैं आप अगर इस कमेंट जो कमेंट का जो हमारा सिंबल है फॉर स्लैशेस, अगर उसे हटा देते हैं तो ये एरर देगा लेट मी सेव द प्रोग्राम फर्स्ट आई थिंक ये उसको एक ही लाइन कंसीडर कर रहा है तो मैं इस लाइन से भी हटा देता हूँ उसको लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम नाउ इट्स सेंग वाट इज दिस प्रिंट दिस लाइन और प्रिंट एल सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो जावा सी ये बोल रहा है कि ये लाइन आप यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं ये जावा कंपाइलर इसको समझ नहीं पा रहा है तो so, जैसे ही मैं इसे कमेंट करता हूँ और दोबारा कंपाइल करते हैं तो ये पूरी लाइन कंसीडर की जा रही है क्योंकि मैंने इंटरप्रेस नहीं किया है तो ये एक ही लाइन है इसीलिए ये इसे कंपाइल कर ले रहा है तो so, यहाँ पर सक्सेसफुली उसको कमेंट कंसीडर करके जावा कंपाइलर ने एरर नहीं दी और हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं अगर आपको मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज आपको यहाँ पे देना हो और स्लैश दिस मैथड इज यूज टू कंटेन अ प्रिंट मैसेज विच कैन प्रिंट सब मैसेज टू द यूजर लाइक आई हैव गिवेन मल्टीपल लाइन्स है तो यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड जो है कमेंट हमें यहाँ पर देना होगा स्टार्टिंग और एंड कमेंट दे के हमने यहाँ पे से कंपाइल कर लिया सक्सेसफुली रन कर लिया ओके okay. ये तो हुआ हमारे सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना हो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा यहाँ पे फॉर स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक दिस क्लास इज स्लेश टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स ओके सो दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट अब इसको कैसे आप यूज करेंगे या इसका क्या यूज है या इसको भी मैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बना दू तो इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ आप क्या करेंगे आप देखेंगे ये प्रोग्राम स्टूडेंट डॉट जावा यहाँ सेव है और कंपाइल करते ही उसकी क्लास फाइल जो है जनरेट हो गई है विच इज़ अ इंटरमीडिएट कोड लेकिन इस बार जो हम कंपाइलेशन है वो जावा सी से ना करके जावा डॉक्ससी या जावा डॉक्स से कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे कंपाइल करते ही काफ़ी सारी हाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस क्लास का पब्लिक होना कंपल्सरी है टू कंपाइल विथ जावा डॉक्यूमेंट सो आई डिड दिस कंपाइल आप जैसे करेंगे देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारी फ़ाइलें जनरेट हो गई हैं तो बेसिकली ये आपकी स्टाइल शीट्स और इस्क्रिप्ट्स हैं मेन आपकी जो फाइल है दैट इज़ योर क्लास नेम डॉट एस या इंडेक्स डॉट एस भी आप खोल सकते हैं तो इस फाइल को जैसे ही आप खोलेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपने जो क्लास बनाई है आपने जो डिस्क्रिप्शन दिए हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे राइट दिस मेथड इज यूज टू अ प्रिंट मैसेज विच कैन प्रिंट सम मैसेज टू द यूजर जो मैंने यहाँ पे दिया था राइट right? तो ये आपका जो है जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जिसके थ्रू आप यूजर को या आपका सॉफ्टवेयर जो यूजर यूज use करने वाले हैं उसके लिए आप एक प्रॉपर एच टी एम एल ए पी आई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो आप आप देख सकते हो क्लास का कमेंट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके okay? कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे दिया नहीं है कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया भी नहीं है तो आगे कंस्ट्रक्टर जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको मैं बताऊँगा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और उसके कमेंट कैसे दिए जा सकते हैं तो बेसिकली आपने यहाँ पे देखा कि हमने सिंगल लाइन कमेंट देखा मल्टी लाइन कमेंट भी हमने देखा था और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के लिए हम डबल एस्ट्रिक यूज़ कर लेते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हम क्यों करते हैं क्योंकि हमें अगर एस टी के थ्रू अपना प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन देना हो कि हमारी क्लास मैथड क्या कर रहे हैं तो हम जावा डॉग से कंपाइल कर लेते हैं और वो जो हमारे कमेंट होते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट वो हेल्प करते हैं यूज़र को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को समझने में तो वैस कमेंट्स के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बताऊँगा जावा में इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग